कि नहीं पता है? कतका जन ला पता है 7 नवंबर को चुनाव है? सब ला पता है। और 7 नवंबर को चुनाव है और आप मन आज ये भी तय कर चुके हो कि भैया हमला वोट काला देना है, तय कर चुके हो ना? तो एक बार आवाज से बताओ काला तय कर चुके हो आप मन? कमल छापला, कमल छापला मोर जहां भी आज लगातार जनसंपर्क हो थे, चाहे पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार आंदोलन कर रहा थे, चाहे मोर क्षेत्र की जनता जो लगातार अपन आवाज उठाता थे, अब वो परिवर्तन चाहते। मैं आपन से पूछना चाहूँ परिवर्तन के क्या कारण है कि हम परिवर्तन चाहते हैं? मैं आपन से पूछना चाहता हूँ कि 36 घोषणा जिन हो रही से कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2018 में, जिन में आप सब भरोसा कर रहे हो कि आने वाले 5 साल में कांग्रेस के घोषणा पत्र ला पूरा करी, भरोसा कर रहे हो ना? तो मोला बताओ का शराबबंदी हो गए? दीदी मन की आवाज नहीं आते, शराबबंदी हो गए? प्रधानमंत्री आवाज बनेगा? बने है मोर युवा भाई मन कहाँ है, हाथ दिखाओ। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? रोजगार मिलेगा? मिले है तो सिर्फ गोबर घोटाला, पीएससी घोटाला, गौठान घोटाला, चावल घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाला के पूरा लंबा लिस्ट है। और अतका लंबा लिस्ट ला पढ़ू ना तो बाकी अतिथि ला भी अपन उद्बोधन देना है, यहाँ पे बहुत समय लग जाए। मैं बहुत मुख्य विषय में आना चाहता हूँ। लगातार 5 साल तक के, चाहे राजधानी रायपुर की बात करो, चाहे हमारे जिला कवर्धा की बात करो, चाहे मोर विधानसभा पंडरिया की बात करो, हमला सिर्फ एक चीज मिले है, वो है धरना स्थल के सभा। काबर की पता है 36 घोषणा में एक भी घोषणा पूरा नहीं हुए, तो भैया आप तो जनता धरना करी तो एक धरना स्थल का निर्माण करा दो, जिन जगह हमेशा खचाखच भरे रही थे। सहमत हो ना मोर बात से? लगातार 5 साल में कितना धरना आंदोलन हुए, शायद हमला याद भी नहीं हुई। लगातार शराबबंदी ला लेकर के आंदोलन हुए, प्रधानमंत्री आवास ला जिन रोक के रखे, या कांग्रेस की सरकार रोखर पर धरना हुए, लगातार गौठान के निरीक्षण गौठान पर धरना हुए। मोला याद है आज भी जब बीरेन्द्र नगर के गौठान में गे रहे हो, सिंघनगढ़ के गौठान में गे रहे हो, मोर सहायता समूह के दीदी मन की दीदी यहाँ तो गाय की व्यवस्था नहीं है, गोबर की कुछ व्यवस्था नहीं है। जब सुबह आता ना हमला तो रात में हमला ये गड्ढा मन से जिन बने हैं खांचा तेन मन से दारू के बोतल के टुकड़ा मिलते हैं। हम दस्ताना पहन के यहाँ से सामान ला साफ करते हैं, ये स्थिति हमारे गाँव के गौठान के है और ये समझ से छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है। आप सबसे निवेदन है एक बार अपन पिछले 5 साल याद करो, कितना बार आप पटवारी के चक्कर लगाए हो, कितना बार थाना के चक्कर लगाए हो, कितना बार आप का आंदोलन करे हो, और कहीं 5 साल भुला गए हो ना? और फिर से कहूँ अभी छलावा आने वाला एक नया घोषणा पत्र निखर मन के, तो पिछले बार तो 3600 घोषणा करे रही से, ऐसे में 36×2 हो सका थे कर दे, कतका होते 36×2 कर बोते? मोर गणित कमजोर है भाई, आप ही मन बताओ कतका होते? 72। तो हो सका थे इसमें 72 घोषणा ना कर दें, लेकिन आप सब ला पता है कि घोषणा पत्र सिर्फ झूठ है। लगातार कांग्रेस के मुखिया मन ने बोला थे मंच से कि हम ये घोषणा करबो, हम अपन ये चीज करबो, लेकिन जब तक के घोषणा पत्र नहीं आई तब तक के, और घोषणा पत्र आए के बाद भी हमला भरोसा नहीं है कि मन काम पूरा करी, भरोसा है का? भरोसा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? तो काखर घोषणा पत्र में भरोसा है? काखर घोषणा पत्र के इंतजार है आप मतलब ये बताओ? बोला भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के इंतजार है, इंतजार है ना? एकर से इंतजार है कि पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन बात बोली वो बात ला निश्चित रूप से करके दिखाई। आज लगातार जनसंपर्क करते हैं, चाहे मैं 5 साल की बात करूं, चाहे 18 तारीख से जब के पंडरिया विधानसभा में मोर प्रत्याशी के रूप में नाम के घोषणा हुए तब से आज लगभग 12 दिन हो गए, लगातार जनसंपर्क चला थे। लगातार दिन में 20 से 30 जगह हम जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, बस एक ही बात आते मौत में तो पूछो कर से पहली मोला वहां से जवाब आते कि दीदी ये मैं झूठ के शराबबंदी नहीं हुए, दीदी आवाज कब आई, दीदी मोरे मोहल्ला में चल 5 साल से कीचड़े थे नाश्ता कीचड़ है, दीदी मोरे मोहल्ला में चल मोर राशन कार्ड नहीं बने, मोर घर की स्थिति जाके देख मोर प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। तो हमला प्रत्याशी के रूप में ज्यादा कुछ कांग्रेस के बारे में बताए की जरूरत ही नहीं पड़े, काबर की जनता सब चीज ला समझा थे, और खास करके मोर पंडरिया विधानसभा के जनता बहुत होशियार भी है, समझतो ना सब चीज लाभ मन समझतो ना। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक ठन पंछी बहुत उड़ा थे, सबसे पहले मुख्य विषय में आऊ, पंछी के नाम का है पता है आपला? तोता जो साल में एक बार दिखे, का नाम है? मोर भाई मन समझ गए, दीदी मन नहीं समझे, समझ गए का नाम है? और जोर से, तो जिन प्रत्याशी है वो कहा थे भैया जगह जगह भी रिकॉर्डिंग भेजा थे, मोर भाई मन बहुत चिंता करते थे, दीदी ये कवर्धा में खुद रही थे,
कवर्धा में घर है, उतोला कहा थे कि भैया भावना बोरा पंडरिया के नो है, पंडरिया विधानसभा के नो है, ओकर मामा घर नहीं पता है, ओकर मायका नहीं पता है, ओकर ससुराल नहीं पता है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि अपन ये बात ला सुनतो कैसे, ये मोला बताओ, अपन दीदी ला लगातार 5 साल से संघर्ष करा देखे हो ना, एक जिला पंचायत के रूप में काम करा देखे हो ना, तो भाई जवाब आप मन दो ना। रणवीरपुर में पिछले 19 साल से आपके दीदी वोट डाला थे, ये स्कूल ग्राउंड में पीछे स्कूल है, याद है मोर भाई मल्ला की नहीं याद है? याद है ना, तो राखी के कर्तव्य निभा और जैन प्रत्याशी कहा थे ना दम खम के साथ जवाब दो कि भैया मोर दीदी तो बाजू रणवीरपुर में थे, तुम रही थो कवर्धा के मकान में, जिन 5 साल मोर दीदी के रिपोर्ट कार्ड मोला पता है कि मोर दीदी कहा का काम करे, ये चीज आपला बताना है, मोर बताए की चीज नहीं है। आप मन बताना है कि मोर दीदी जिला पंचायत बने के बाद अपन 70 गांव में जितना फंड है वो पानी की तरह लगाए है कि भैया ये तोर काम है करा, तोर काम है करा, 70 गांव के एक आदमी खड़े होके बोल दे कि भावना दीदी मोर गांव में काम नहीं दे, मैं मान जाऊ बात लो। तुम नीलकंठ चंद्रवंशी से पूछो जिन प्रत्याशी है, भैया ते कदका गांव में काम दे हस, महू इंदौरी मंडल में घूम के आये, ऊपर गांव से घिरघोसा है का नाम एक ठो गांव हमर, ओखा घूम के आये हूं मैं, लगातार शिकायत की दीदी काश से हमर डर जिला पंचायत रहते तो हमरो घर में काम कराते, हमरो जिला पंचायत में काम कराते, लगातार चाहे एम्बुलेंस चलाए के बात हो, 2 एम्बुलेंस के बात करे हो 3 एम्बुलेंस चलाए, 2 कॉलेज बस के बात करे हो 3 कॉलेज बस चलाए, ये मैं कोई एहसान नहीं करे अपन ऊपर, ये मोर माया है आप मन पर, और आप मन का जो विश्वास है मोर पर, ये बस ओखर आदान प्रदान है, वो कुछ नहीं है। और आने वाले समय में मोर सिर्फ एक ही संकल्प है कि विधानसभा पंडरिया जीते के बाद में काबर की 90 विधानसभा आप सब जानते हो, और 90 विधानसभा की चिंता कर रही है हमारे सब सामने बैठे हैं, जो 90 विधानसभा की चिंता निश्चित रूप से करी, लेकिन मोर चिंता सिर्फ एक ही विधानसभा की रही, वो है पंडरिया विधानसभा। मोर एक ही संकल्प रही कि भाई 90 विधानसभा में मोर पंडरिया विधानसभा जो लगातार पिछले 5 साल से उपेक्षित होता थे, न एक ढंग के रोड है, न ढंग के एक नाली बने है, न एक तो पक्का मकान बने है, न एक तो बस स्टैंड बने है, न एक तो कुछ व्यवस्था हुए, मोर जवाबदारी रही मोर पंडरिया विधानसभा ला कैसे आगे लाऊं, मोर जवाबदारी रही कि मोर पंडरिया विधानसभा में 2 शक्कर कारखाना भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुले, याद हो या आप मल्ला, मोर ये रही कि 3रा शक्कर कारखाना मोर पंडरिया विधानसभा में खुले और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खुली, अपन भरोसा रखो। मोर संकल्प ये है कि मोर पंडरिया विधानसभा के भाई बहनी मन आज रायपुर पढ़े बर जाते राजधानी, मोर पंडरिया विधानसभा के मरीज मन आज इलाज कराए बर जाते राजधानी रायपुर, उखर रुके की व्यवस्था, उखर हॉस्टल की व्यवस्था, वो मोर जिम्मेदारी है पंडरिया भवन के नाम से राजधानी रायपुर में। मोर जिम्मेदारी है कि भाई मोर क्षेत्र के बेटी मन, कल एक गांव गए रहे मोला याद है कहा थे दीदी ती अपन जिला पंचायत में तो बस चला दे हस, अब ते विधानसभा के चुनाव लड़त हस, और चुनाव ते जीतबे दीदी काबर की पहली बार मैं वोट डाला था तो तू ही चला वोट डालो, चुनाव ते जीतबे तो का हमार बार बस चलावे का, मैं क्यों जैन दिन ईश्वर और जगह में मोला पहुंचा दी बहनी, घर घर बस आई, उखर चिंता तुम मत करो, वो मोर जिम्मेदारी है काबर की आप मन मोला चुन के भेजू ना, तो बाकी जिम्मेदारी आप मोर ऊपर छोड़ दो। बहुत सारे काम है, चाहे स्व सहायता समूह मन के दीदी मन के बैठक व्यवस्था के बात करो, मितानिन दीदी मन जिन 1 महीना ट्रेनिंग में रहती होती भटकते कि यहाँ बैठना है वहाँ बैठना है, उखर व्यवस्था के बात करो, वो भावना बोहरा की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपला वापस से पंडरिया में और समस्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार उखर प्रत्याशी लाए की जिम्मेदारी आप मन की है। मैं सिर्फ आपस यही कहना चाहूँ, लगातार पिछले 5 साल याद करो, जब मोर बहनी यहाँ मोर ख्याल से मोर बहनी हुई, मोर रणवीरपुर मंडल के बात है, मोर बहनी वेदवती खुसरो कहीं हुई सामने खड़े, एक गवाही ये चीज के कि महिला मन एकर नाम से एक बहनी हमार नंदी के मूर्ति के मांग करी से ग्राम जमुनिया में, जमुनिया के भी यहाँ भाई बहनी बैठे हुई, आप मन याद है 2 साल पहले की घटना है, एकर मन के अतके मांग रही से कि भाई हमारे गांव में नंदी के मूर्ति की स्थापना हो तो का गलत मांग है, नंदी ला हम पूजा करतन, अब अपन कृष्ण भगवान के पूजा करतन, कोई गलत मांग रही इसका नहीं रही ना, लेकिन एला आधी रात में 11 बजे पूरा पुरुषों के बीच मेला बुलाएगी शेखर का गलती रही से, और जब गांव के बहनी मन भाई मन हमारा आदिशी समाज के जन सियान मन जब थाना घेराव करी लोहारा लोहारा में फोन आते भैया मतलब थाना में घुसन मत दो, मैं सामने रहो कहा थे जितना है सबको बाहर बिठाओ, एक महिला एसपी हमला सपोर्ट करी दीदी कोई बात नहीं आपके बाद ऊपर तक पहुंचाऊं, 1 घंटा में उनका ट्रांसफर हो गए, आज भी वहां दुर्ग में त्रायपुर में लाइन अटैच के रखे पिछले 2 से 3 साल से, तो ऐसे सरकार चाहिए का जो महिला मन अगर आज आवाज उठाए तो थाना घेराव करे, तो आप TI ला बोल के SP ला बोल के थाना से मतलब बाहर निकलवा दो, ये आपला चाहिए का, ऐसे सरकार चाहिए आपला, बताओ आप ऐसे सरकार चाहिए आपला। अभी आज एक घटना बता थी,
लगातार हमार भाई मन जब ये झंडा लगाते गांव गांव में जाके एक एक बूथ में जा करके एक एक मंडल में जा करके फोन आ थे दीदी कल झंडा लगाए हन आज झंडा गायब हो गए। झंडा गए कैसे में कि भाई तुमन कम लगाए हो एक बार दोबारा और लगा लो। अभी आधा घंटा पहले एक वीडियो आए ग्राम पंचायत के सचिव है मीडिया भाई आप मन वीडियो देखे हो जरा नोट भी कर लेना। ग्राम पंचायत के सचिव है मुकेश साहू मैनपुरी के रहवैया है तेले मैनपुरी में एक पोस्टिंग है तेले भाट के रहने वाला है। बीजेपी के झंडा निकाला थे चढ़ के छानी के ऊपर से वीडियो वायरल हो आप मन देखना। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में और कांग्रेस के कार्यकर्ता में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपन लकीर लंबा करे बार काम करते चाहे मोर बात हो चाहे मंच के सामने जितना बैठे मोर भाई बन के बात हो लेकिन कांग्रेस हमेशा दबाव की राजनीति करते लगातार दबाव की राजनीति चाहे कोई से मंच ले लो। हमारे एक भाई सामने बैठे ईश्वर साहू जी आपला पता है का हो है आपला पता है कवर्धा केस से प्रशासन की गलती से उखर गैर जिम्मेदाराना हरकत से का कांड हुए। तो अगर हम चाहतन कि वैसे समय दोबारा ना देखेला पड़े अगर हम चाहतन कि हमार वही छत्तीसगढ़ जहाँ एक रुपए किलो में चावल बिके पूरा भारत में पहले से राज्य से जहाँ एक रुपए किलो में चावल बिके पहले से राज्य से जहाँ महिला मुखिया राशन कार्ड में महिला न बनाए गए पहले से राज्य से और पहले से राज्य से 2018 की पहली जहाँ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवाज बने आप मतलब याद है कि नहीं याद है। अब सबसे मोर हाथ जोड़ के निवेदन है कि वापस से अपन ला तय करे के समय आ गए कि भैया दोनों सरकार में अंतर का है और दिमाग में कुछ आपके भ्रम भी हुई ना तो वोट डाले के पहले एक बार आंखें मूंद लेना और सोचना कि मैं सही गलत हूँ कि गलत काला वोट डालत हो ऑटोमेटिक आपके हाथ स्वतः आपके हाथ कमल छाप में दबी है चीज के मैं पक्का गारंटी देता हूँ अपन ला। आप सब यहाँ पे इतना शांति से बैठे हो निश्चित ये बात के प्रतीक है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है समस्त छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिलने वाला है। अब सबसे एक अनुरोध है भरपूर प्रचंड मत के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ आप लोग खड़े रहना है कबर की भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जेकर देश के नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते जेकर ऊपर पूरा देश ला भरोसा है। मोराज दीदी अभी गाना गाते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे 300 साल जी ही दीदी ही मेरे को बैठे हुई गाना खोलो बना है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है समय बहुत कम है 7 तारीख को 7 नवंबर को चुनाव होने वाला है और आपके एक एक वोट के बहुत महत्वपूर्ण कीमत है दूसर कीमत में वोट ला मत जान देना। आप सबसे निवेदन करत हुए अब थोड़ा देर में हमार आदरणीय अमित शाह जी आने वाला है आप सब ही शांति व्यवस्था के साथ बैठे रहो यही आप सबसे विश्वास है। एक बार सबसे विनती करते हुए कि आपके भावना दीदी ला जैन मन अपन प्रेम से नाम दे हो एम्बुलेंस वाले दीदी ला तो आपके एम्बुलेंस वाले दीदी ला अगर जिताना है सहयोग करना है और गंगा जल का झूठा हाथ नहीं उठाना है लेकिन याद रखो पूरा बात ला दोनों हाथ उठाना है लेकिन सच के साथ प्रेम के साथ सच्चाई के साथ दोनों हाथ उठा करके अगर साथ दो मोर तो जय जय श्री राम के जयकारा करना है। बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद सबके अभिनंदन है जय जोहार।